बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले प्रदेश के सभी जिलों में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पटना में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। पप्पू यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सुशील मोदी और सीएम नीतीश में नूरा कुश्ती चल रही है। उन्होंने कहा संकट के इस दौर में लोग ऑक्सीजन के अभाव में सांस तोड़ रहे हैं और सीएम नीतीश आंख बंद करके सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोचने वाली बात यह है कि पटना में ऑक्सीजन और सीएम नीतीश सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोचने वाली बात यह है कि पटना में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जाने जा रही है और फ्लिपकार्ट पर सबसे छोटा ऑक्सीजन 9000 में बेचा जा रहा है। इसके साथ भी पप्पू यादव ने सरकार व प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के नहीं मिलने पर परेशान हैं। ऐसे में राजेश्वरी अस्पताल और मेडी पार्क को किस आधार पर ऑक्सीजन दी जा रही है। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश पर आरोप लगाते हुए कहा प्रदेश के मुखिया सीएम नीतीश दवा माफिया को लाभ पहुँचा रहे हैं। रेमडेसिविर के नाम पर राज्य में लूट मची हुई है। एक उदाहरण देते हुए बता दें आपको, उन्होंने कहा कि एम्स और IGIMS पटना के डायरेक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे में सामान्य लोगों को ऑक्सीजन कौन देगा। सीएम नीतीश की सरकार ने इस हालात से निपटने के लिए क्या तैयारी की है। पूर्व सांसद ने कहा कि ऑक्सीजन की धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है और ऐसे में सभी सरकारी और निजी अस्पताल व स्वास्थ्य सेवाओं को आर्मी के हवाले तुरंत किया जाए। बिहार की जनता ऑक्सीजन के बगैर रही है, ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से समझे। ज्यादा आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट चैनल में जाऊँ तो प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम फिर से